एक दिन की बात है जब लालू ने कहीं से खाना की टोकरी चुरा कर और बहुत खुश होकर भाग आता है। फिर दोस्तों वह उड़ता उड़ता बहुत दूर पहुंच जाता है। फिर एक सुनसान स्थान पर वह उस टोकरी को रख कर और उसका खाना खाने लगता है और बहुत खुश होता है कि हमें इतना ढेर सारा खाना मिल गया। तभी कहीं से एक कबूतर आ जाता है और वह उस लालू से कहने लगता है कि लालू भैया इतना ढेर सारा खाना आपको कहां से मिला, तो क्यों ना थोड़ा हमें दे दो। तो लालू ने रहम खाकर एक रोटी कबूतर को दे देता है। फिर वह कबूतर भी उस रोटी को खाने लगता है और दोस्तों खूब उसमें पेट भर कर कबूतर वह रोटी खाता है और लालू भी बहुत पेट भर कर वह रोटी खाता है। दोनों रोटियां खा जाते हैं। जब तब कहते हैं कि अब अपना तो पेट भर चुका है, लेकिन फिर कबूतर पूछता है लालू भैया से कि लालू भैया आप यह रोटी कहां से लाए थे। फिर लालू भैया बोलता है कि मैं यह रोटी एक से चुरा कर लाया था। तो कबूतर बहुत नाराज होता है और कहता है कि आपने तो हमें चोरी की रोटी खिला दी। फिर यह कहकर लालू भाई वहां से निकल जाते हैं और फिर खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर एक जगह पर लालू देखता है कि बहुत ढेर सारे आम लगे हुए थे और वह उस आम के पेड़ पर बैठ जाता है और उसके आम खाने लगता है। फिर वहाँ कहीं से कालू भी आ जाता है और जब कालू भी आ जाता है तो वह लालू बोलता है कालू से कि आज हमने तो बहुत ढेर सारा लजीज खाना खाया है। और फिर वह लालू ने पूरी बात कालू को सब बताई और फिर कालू ने कहा तो आपने हमें क्यों नहीं बुलाया था। फिर लालू अपने घर आ जाता है और कालू भी आ जाता है और काफ़ी रात हो जाती है और वह दोनों फिर सो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब सुबह होती है तो लालू उस कालू को वहीं लेकर जाता है। फिर दोस्तों सोते रहते हैं। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो फिर उठते हैं दोनों और वह टोकरी लेकर वह वहीं पेड़ के नीचे जाते हैं जहाँ पर लालू ने चुरा कर खाना खाया था। वहीं फिर दोनों पहुँच जाते हैं और रोटियाँ बाहर निकाल कर रख देते हैं और उस कबूतर का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि कबूतर लालू का दोस्त बन चुका था। फिर कालू कहता है कि बहुत जोरों से भूख लगी है, आप किसका इंतजार कर रहे हो। तो लालू कहता है एक मेरा नया दोस्त है कबूतर। तब तक कबूतर भी वहाँ आ जाता है और फिर लालू बोलता है कि आप इतनी देर से कहाँ थे, हम लोग आपका बहुत देर से राह देख रहे थे। फिर लालू ने एक रोटी कबूतर को दे दी और कबूतर उस रोटी को खाने लगता है और इधर लालू देख रहा होता है कि आखिर क्या बात है। कबूतर भी सोचता है कि आज इन्होंने हमें रोटी दे दी और लालू ने खुद नहीं खाया है, इसके पीछे का कारण अगर जानना है तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर देना और दोस्तों प्यारे से कमेंट में यह ज़रूर लिखना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।